सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार की बैटरी जो है हुंडई i20 उसमें लगने वाली बैटरी के बारे में। तो उसमें कौन सी बैटरी लगती है, उसके मॉडल्स नंबर हम लेके आने वाले हैं। मुझे क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि i20 2011 का मॉडल है, उसमें पेट्रोल वेरिएंट है, उसमें कौन सी बैटरी लगती है। उसमें 44 LH बैटरी लगी हुई है और अभी उनको बैटरी लगाना है, तो कौन सी लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स एक्साइड के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उसके मॉडल्स के मैं आपको नाम बताने वाला हूँ और पर्टिकुलरली एक बैटरी जो आपको आपकी गाड़ी में लगानी चाहिए, जो बैटरी आपको आपकी गाड़ी में लगाना चाहिए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सारी बातें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देख लीजिए। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त अनुष्ट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जानते हैं। तो i20 में पहले से ही अगर आपकी गाड़ी में 44 LH बैटरी लगी हुई है तो आप वो लगा सकते हैं, या फिर 45 वाली बैटरी आप लगा लीजिए। उसके मॉडल्स नंबर मैं आपको बताता हूँ और प्राइसिंग भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अलग अलग वारंटी वाली बैटरीज अवेलेबल है एक्साइड में, जैसे 12 महीने, 66 महीना, 77 महीना, 55 महीना। एक्साइड में काफ़ी सारे रेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, कम वारंटी से ज़्यादा वारंटी तक। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 महीने वाली, एक साल वाली बैटरी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कैबी 45D 21 LBH 45 AH कैपेसिटी की बैटरी है। नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे 66 महीने वारंटी वाली बैटरी जो मैट्रिक्स के नाम से आती है, MT 45D 21 LBH 45 AH कैपेसिटी बैटरी है। नेक्स्ट मॉडल एक्साइड का इपिक 45D 21 LBH 45 AH कैपेसिटी बैटरी है और 77 महीना इसकी वारंटी है। अब बात करेंगे माइलेज की, तो ये बैटरी आप लगा सकते हैं और इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्साइड माइलेज के नाम से आएंगी, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी हर एक लोकेशन पे। इसका मॉडल नंबर है एमरेड 45D 21 LBH। इसकी प्राइसिंग देखेंगे, MRP देखेंगे, 7000 के करीब आपको आने वाली है। 7000 में ना मिलती हुई डिस्काउंट के साथ में आपको 6.5 में आएंगी। और अगर आपके पास भी पुरानी बैटरी है जो 45 होंगी या फिर 44 होंगी, वो रिप्लेस करके आप लेंगे तो 1500 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 6500 में 1500 माइनस कर लीजिए, तो इतने में आपको पुरानी बैटरी आपकी रिप्लेस करके आने वाली है। और वही 44 LBH जो पहले से ही लगी है वही आपको लगानी है, तो अगर वो लेते हैं तो 200-300 रुपये कम कर लीजिए। 45 के जो आपको 6.5 है उसमें 1500 रुपये माइनस करके जो प्राइसिंग आ रही है, वही आप 6.5 में 1500 माइनस कर लीजिए और 200-300 रुपये और माइनस कर लीजिए, वो हिसाब से आपको 44 वाले आएंगे। और इस बैटरी की वारंटी 55 महीना है, तो ये बैटरी आपको हर एक लोकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगी। और जो पहले हमने बात की है मैट्रिक्स, कैबी, इपिक, जो 12 महीने, 77 महीने, 66 महीना, ये कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं होंगी, कहीं पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, पर ये एक्साइड माइलेज की जो बैटरी वो आपको हर एक लोकेशन पे अवेलेबल मिलेंगी। तो ये बैटरी आप अपने गाड़ी के लिए खरीद सकते हैं। वैसे जो भी आपको अवेलेबल मिले 12 महीने, 66 महीने, 77 महीने, एज पर आपके प्राइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से, वारंटी के हिसाब से आपको खरीदनी होगी। तो ये सारे मॉडल जो हमने आपको एक साइड के बताया है, उनमें से जो मॉडल आपको खरीदना होगा आप खरीद सकते हैं। तो इसके अगर इसमें और कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे भी जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, कलीग्स में, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और चैनल में कोई नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।